नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बड़ी खबर के साथ फिर से हाजिर हुआ। जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय में लगातार पड़ रहा है डॉक्टरों का अभाव। जहां आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर बिल्कुल नहीं पाए जा रहे हैं, चाहे इमरजेंसी वार्ड हो या फिर कोई भी वार्ड हो, डॉक्टर जो है किसी भी तरीके से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते नहीं दिखते। जहां बड़ी बड़ी जगहों पर देखा जाता है कि कोई भी अगर डॉक्टर ना हो तो उसे तुरंत ही निलंबित कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन सीधी जिले के अंतर्गत देखा यह जा रहा कि ना तो सुई लगाने की व्यवस्था, ना बेड की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, किसी भी तरीके से जिले में हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से व्यवस्था नहीं पाई जा रही, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। आप सीधे वीडियो में देखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से पूरे जो मरीज हैं वो रात को बिल्कुल लेटे हुए हैं। कुछ तो ऐसे स्थिति में है कि उनको बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत होगी, मर रहे होंगे, तकलीफ से जूझ रहे हैं। आपको खुद दिखाई देगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल की व्यवस्था है कि मरीजों को नीचे जमीन पर लेटाया गया है, लेकिन इनसे किसी भी डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल के अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हॉस्पिटल व्यवस्था जो है अगर चल रहा है तो वो सिर्फ किसी की वजह से, तो वो है नर्स। अगर नर्स नहीं होते तो शायद हॉस्पिटल में लोग और ज्यादा मरते। लेकिन आज जो व्यवस्था हमें देखने को मिली है ये किसी से छुपाने लायक बिल्कुल नहीं है। जो आप लोगों को व्यवस्था दिखाई दे रही होगी कि हॉस्पिटल की, जिला अस्पताल की, सीधी जिला का जो अस्पताल है उस अस्पताल में ये व्यवस्था देखने को जो मिली है, बहुत घटिया स्थिति देखने को मिल रही। इससे कलेक्टर भी देख रहे हैं, कलेक्टर को भी पता है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमने बात करने के लिए सीएमओ से संपर्क किया, लेकिन अभी तक जिला अस्पताल के सीएमओ से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो स्थिति है ये काफी दयनीय है। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक बने रहे आप तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।